बोलो। हाँ बोलो, मोल कैसे पढ़ रहे थे? मोल्स निकालना आता है? अरे आता है ना। हाँ चलो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके बताओ, फिर देखेंगे आपको आता है कि नहीं आता है। तो चल, इन दोनों का आंसर क्या आ सकता है वो थोड़ा बताओ हमें। आया है इधर से? नहीं, चलो मैं सॉल्व कर दूँ। देख लो, इजी है, आपको ये आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ये तो पता है। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है तो ये सॉल्व हो जाएगा। आता है मॉलिक्यूलर मास? चलो मैं बता देता हूँ पहले तो। लेट से आपके पास ये एक मॉलिक, अच्छा डिफरेंस तो पता होना चाहिए यार कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। बताया था मैंने, एटम मतलब किसी भी, वो जो पीरियोडिक टेबल, पता है पीरियोडिक टेबल क्या होता है? उस पीरियोडिक टेबल में जो आपने हर एक छोटे छोटे बॉक्स में जो देखा है वो एलिमेंट है। वो एलिमेंट नेचर में किस तरह एग्जिस्ट करता है उसको हम कहते हैं एटम। और एटम आपने डेफिनेशन तो सुना ही है, क्या होता है एटम का डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एंड मैटर, जिसको हम कहते थे एटम। तो जब ये एटम एक दूसरे के साथ, मतलब बहुत सारे अलग अलग एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कुछ बनाता है नई चीज, तो उस नई चीज को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे ये हो गया आपके पास, किस चीज का मॉलिक्यूल है? वो वाटर का मॉलिक्यूल है, पता है। तो जैसे हमने एटम का एक एटमिक मास निकाला था, दो अलग अलग यूनिट आए थे, कौन से? एक तो आया था AMU, एटॉमिक मास यूनिट, इसको हमने बोले थे कि दिस इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। वैसे ही एक आया था आपका ग्राम पर मोल, ये 1 मोल एटम का मास था, याद है? ठीक है, इसी से हमने मोल को डिफाइन किया था। तो ऐसे ही जैसे हमने एटम का मास निकाला है वैसे हम मॉलिक्यूल का मास निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है? एडिशन करना पड़ता है, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हो उन सभी एटम्स का एटॉमिक मास ऐड करेंगे। साथ में ये भी ध्यान है उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल के लिए निकालू उसका मॉलिक्यूलर मास, चलो मैं पूरा लिख लेता हूँ, ये आपका जो मॉलिक्यूलर मास होगा ये किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं? 2 टाइम्स हाइड्रोजन एटम का मास, बराबर है? क्या लिखूंगा मैं? 1 टाइम ऑक्सीजन एटम का मास, क्योंकि हाइड्रोजन आपके पास 2 है, ऑक्सीजन आपके पास कितना है? 1 है, बराबर। अब ये तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, बोलो कितना होता है? 1 होता है। अरे 1 होता है ना, ये 1 लिख दो यहाँ पर। और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है ये थोड़ा पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटम के नंबर होता है कितना? 8। इसको कर दो डबल तो कितना हो जाएगा? 60। जनरली मैंने बोला था जनरली हम डबल करते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर ये वैलिड नहीं होता है, उसका एक दो एग्जांपल मैंने दे दिया था, और हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे मैं बताते जाऊंगा। तो ये 1 × 2 हो जाएगा 60। बोलो कितना आ गया? 16 + 2 दैट इज 80। अब आपको लिखना है इसका क्या यूनिट, तो यूनिट भी आपका ग्राम पर मोल ही आएगा, बस वो एटम का मास होता था, ये मॉलिक्यूल का मास है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास, डबल है। ठीक है, समझ में आ गया? तो जैसे हमने एटम के लिए मोल्स निकाले थे वैसे हम मॉलिक्यूल के लिए भी मोल्स निकाल सकते। मोल्स का एकमात्र जो इक्वेशन है वही है जो हमेशा होगा, दैट इज गिवन मास। गिवन मास को हम सिंबल के फॉर्म में W करके बोल देते हैं, और नीचे आपका क्या आएगा बोलो? मॉलिक्यूलर मास, या फिर उसको हम कैपिटल M से बोल देते हैं। तो चाहो तो ऐसे वर्ड फॉर्म में याद रख लो, चाहो तो इस सिंबल फॉर्म में याद रख लो। तो बस इस इक्वेशन का यूज करना है और आंसर निकालना है। ऑनलाइन लेक्चर देखे थे आपने? लास्ट वाला जो हमने लेक्चर किया था कब? सैटरडे, लास्ट सैटरडे। तो वहां पर हमने यही प्रैक्टिस की थी। तो चलो एक एक को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले Mg का निकाल लेते हैं। Mg मतलब मैग्नीशियम, बराबर? मैग्नीशियम पीरियोडिक टेबल में अगर देखते हो तो सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड पीरियड में है।
है, वो भी हम याद करेंगे कैसे करना है, उसका भी एक ट्रिक होता है, वो हम पढ़ेंगे जब रेगुलर बैच स्टार्ट हो जाएगा। अभी देख लो आपको क्या करना है, इस मैग्नीशियम का मोल निकालना है। तो मोल्स, मैंने मोल्स के लिए भी सिंबल बताया था, याद है क्या था? एन था, ठीक है, छोटा वाला, ये छोटा है। तो अभी अपन वर्ड में ना लिखकर सिंबल में लिखेंगे, क्योंकि हम थोड़े आलसी है, हमें ज्यादा लिखना नहीं है। एन इक्वल टू आपका क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन एफ। देखो भाई डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, गिवन मास जिसको हम कहते हैं 12 ग्राम दिया है, बराबर, तो ये लिख लो 12 ग्राम। और मोलर मास मैग्नीशियम का आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर देखते हो तो 12 है, और उसका हम कर देंगे क्या डबल, दैट इज 24। तो ये हो गया मैग्नीशियम का मोलर मास, यहाँ पर रख दो, दैट इज 24। कितना आएगा, 1/2, दैट इज 0.5 मोल्स। बोलो कर सकते हो आराम से, आया था ये आंसर, इजी था। एटम के लिए निकालना इजी होता है, मॉलिक्यूल के लिए थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो डिफिकल्ट ऑब्वियसली लगेगा ही है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ वैसे वैसे वो भी इजी होते जाएगा। जैसे हमें पहले लगता था कि 10वीं बहुत क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, लेकिन हमारा तो एग्जाम ही नहीं हुआ, है कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, अब निकाल सकते हो H2SO4 का। अरे हाथ ना, कुछ तो बोलो, निकाल सकते हो ना? नहीं निकालेंगे, देखो H2SO4 का निकालने जा रहे हैं। पहली चीज आपको इसका मॉलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, बोलो भाई, 1 टाइम्स मास ऑफ सल्फर प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ ऑक्सीजन। देखो 2 टाइम्स हाइड्रोजन का मास मतलब 1, सल्फर का मास 32, एटॉमिक नंबर होता है 60, और डबल कर देंगे 32, तो दैट इज 1 × 32 प्लस, ऑक्सीजन का तो पता ही है कितना होता है 60। थोड़ा मैथमेटिक्स आपको आता ही है तो रख दो, जाएगा 2 प्लस ये 32 प्लस 64, ऐड कर लेते कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 6, और ये हो जाएगा 98। अच्छा मैंने कुछ ज्यादा 45 दे दिया है ना, ठीक है 98 आ रहा है मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इसको ग्राम पर मोल लिखेंगे। एक छोटा सा चेंज ये कर लो, कैलकुलेशन डेसिमल में चला जाएगा ना, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ कितना, इसे डिवाइड करेंगे हो 49, ठीक है अभी आ जाएगा। मतलब कैलकुलेशन सिंपलीफाई करने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास आपको मिल चुका है, इसका यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, वो होता है डब्ल्यू बटे एम। डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है 49, और एम का वैल्यू अभी आपने निकाला 98। देखो डिवीजन हो रहा है, परफेक्ट डिवीजन है ना, तो कितना हो जाएगा ये 2 फिर से 1/2, दैट इज 0.5। तो इस तरह बड़े ही आराम से आप किसी भी गिवन एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे कंपाउंड हो, सभी का नंबर ऑफ मोल्स आराम से निकाल सकते हो। क्लियर, थोड़ा उठे नहीं आगे बढ़े, ओके लिख लो। ऑनलाइन वाले एक बार चेक कर लो, किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी जल्दी पूछ लो। अच्छा लिख के हो गया था ना, इसके बाद मोल्स अगर एक बार आपको निकालना आ जाए तो इसके बाद हम स्टोइकोमेट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या होता है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये टेक्निकल नाम है, इस नाम को डरने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, करने की, क्योंकि मैं बताऊंगा सिंपल लैंग्वेज में अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले तो डेफिनेशन लिख लो,
लिख लिया है। बताओ देख, स्टोइकोमेट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा एरिया है, ऐसा ये कहेंगे कि उस ये जो हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, उस मोल कंसेप्ट में अब तक हमने क्या किया है, मोल्स निकाले, ठीक है। तो इस मोल्स का हम आगे जाके यूज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, केमिकल रिएक्शन में होता है क्या आपको पता ही है, क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं, दो चार रिएक्शन होंगे, वो कंबाइन होके कुछ दो नए प्रोडक्ट बन दे सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास जैसे दो रिएक्टेंट है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर आपको एक कुछ सी प्रोडक्ट मिल चुका है, ये होते हैं आपके रिएक्टेंट, ये पता ही है, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ, और ये होगा आपका प्रोडक्ट। तो देखो भाई, रिएक्शन जब भी आप कराओगे तो उसका गिवन मासेस जो होगा वो आप एक्सपेरिमेंटली ले सकते हो, लेबोरेटरी में अगर गए होगे तो आपको पता है बीकर क्या होता है, वो सारी चीजें आपको पता है ना। तो अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट को आप मिक्स करके कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, कितना मास ऑफ प्रोडक्ट बनेगा या फिर कितना मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, ये हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। रिएक्शन हो गया, रिएक्शन के बाद जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट रहेगा उसको आप वेइंग मशीन पे लेके जाओगे और मेजर कर लोगे। लेकिन अगर आपको थियोरेटिकली वो चीजें सीखनी है, तो उसी लिए ये एक छोटा सा एरिया डेवलप किया गया है, स्टोइकोमेट्री जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसका एज सच डेफिनेशन या फिर डिक्शनरी मीनिंग कुछ है नहीं, हम बस ये समझेंगे कि ये वो एरिया ऑफ केमिस्ट्री है जहाँ पर हम प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, इसमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका मास या फिर मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और यही इसी रीजन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है, और न्यूमेरिकल पार्ट है तो जिनका मैथ्स अच्छा होगा उनके लिए तो मजे वाली बात है, लेकिन जिनका मैथ्स नहीं होगा अच्छा उनको लग सकता है थोड़ा डर, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ बहुत हल्के हल्के कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एक पार्ट था, जब आप 10th में पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा, क्या था वो, बराबर। तो उसमें बैलेंसिंग देखा होगा, कैसे बैलेंसिंग करते थे यार, कैसे किया था, कुछ तो किया होगा ना, ये टेबल बनाया था याद है, टेबल बनाया था आपने, रिएक्टेंट में जितने भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट होते थे, जितने भी प्रोडक्ट होते थे, उनके आप मासेस लिखते थे, याद है वो थोड़ा सा, ठीक है। तो वो तो 10th के हिसाब से बहुत ही बेसिक सा आइडिया हो गया, मतलब बहुत ही ऐसा कहेंगे वो छोटा कंसेप्ट है, और उसके लिए समय भी बहुत ज्यादा लगता है, देखा होगा आपने, आपने जब तक जो कुछ भी किया है वो छोटे छोटे रिएक्शन के लिए किया है, लेकिन केमिस्ट्री में रिएक्शन छोटे तो होते ही नहीं है, बहुत बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं। तो उन बड़े बड़े रिएक्शन के लिए अगर आपको बैलेंसिंग करना हो तो आपको एक नया छोटा सा ट्रिक सीखना पड़ेगा। तो दो छोटे छोटे ट्रिक्स है, इसके पहले अगर आपने क्रैश कोर्स किया होगा तो वहां पर भी मैंने बताया था, यहाँ पर मैं नए सिरे से बताने वाला हूँ। तो आज तो पहले ये इस बैलेंस रिएक्शन से मास और मोल कैसे निकालना ये तो हम सीख लेंगे, वो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन पहले आपको बैलेंस आना चाहिए रिएक्शन को, तो वही हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलो मैं दो अलग अलग ट्रिक्स है जो बता रहा था उसमें से एक पहली मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कुछ भी कंबाइन होगा, या फिर ऐसा कहते हो कि जो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, वो कंपाउंड्स हम मोटे तौर पर तीन अलग अलग क्लासेस या फिर चार अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि नहीं, चार नहीं तीन ही करेंगे, एक तो हो सकता है वो मेटल हो, या फिर हो सकता है वो नॉन मेटल हो, या फिर एक और होता है पता है, मेटल नॉन मेटल और एक क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है, बराबर। तो पीरियोडिक टेबल में इस तीन अलग अलग नेचर के आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे, तो जब भी रिएक्शन होगा कैसे कैसे होगा, हो सकता है दो मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन दे, हो सकता है दो नॉन मेटल रिएक्ट कर ले एक दूसरे के साथ, हो सकता है मेटलॉइड रिएक्ट कर ले, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है मेटल नॉन मेटल रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट दे दे, या फिर नॉन मेटल और मेटलॉइड मिलकर कुछ प्रोडक्ट दे दे, बराबर। ऐसे मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको, एक ये भी हो सकता है कि तीन आपके पास क्या हो, रिएक्टेंट हो, मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड, ये भी रिएक्ट होके क्या देगा, एक प्रोडक्ट दे देगा। तो रिएक्शन कैसे भी हो सकती है, तो हमें हर एक टाइप की रिएक्शन के लिए बैलेंसिंग आना चाहिए। तो बैलेंसिंग करने का एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है, वो करते कैसे है ये चीज मैं बताऊंगा। अब इस पर एक चीज ध्यान देनी है कि जो मेटालाइट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में अगर आपने देखा होगा तो ऐसा एक जिगजैग लाइन बना था, याद है क्या, पीरियोडिक टेबल देखा है आपने, ठीक है। उसमें ऐसा जिगजैग लाइन बना है, तो उसके तो ऐसा एक बॉक्स बनता है, तो स्टेयर्स जैसा, तो उस बॉक्स में जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं को अपन मेटालाइट कहते हैं। लेकिन जब हम बैलेंस कर रहे हैं ना, तो बैलेंस करते वक्त उन जो मेटलॉइड्स है उन मेटलॉइड्स को हम मेटल मान के बैलेंस करेंगे, ठीक
ठीक है, ये सिर्फ बैलेंस करने का ट्रिक है, ये किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए मैं बता ये ट्रिक है जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं वो सिंप्लीफाई करने के लिए बना देते हैं, ठीक है, जिनमें से मैं नहीं हूँ पहले ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं, वो किसको बैलेंस करते हैं, मेटल को, कैसे करना है वो बताऊंगा, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे किसको, नॉन मेटल को। इसका मतलब आपको देखना आना चाहिए, मतलब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। पहले करेंगे मेटल को बैलेंस, उसके बाद करेंगे नॉन मेटल को, उसके बाद हम करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस, ठीक है, और सबसे लास्ट में हम करते हैं किसको, हाइड्रोजन को बैलेंस। तो ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक से कर सकते हो किसी भी रिएक्शन को, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो आराम से बैलेंस कर सकते हो। मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे कि लेट से मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनता है, बताया ना, ये भी पता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है। तो देखो रिएक्टेंट तो दोनों के लिए सेम है, फिर प्रोडक्ट अलग अलग क्यों बन रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए ना यार, क्यों बन रहे हैं अलग अलग, क्योंकि कंडीशन थोड़ी अलग है। यहाँ पर हम जो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं वो चाहे जितना ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में सफिशियंट अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पर जो हम लेते हैं वो लिमिटेड। कहने का मतलब यह है कि जब सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में आप कार्बन को बर्न करोगे तब आप क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल ये बता सकता हूँ, पेपर को आपने बर्न किया होगा बहुत बार, ठीक है, अब जब मान लो माचिस की तीले से आपने उसको लगाया, अगर वहां से ब्लैक धुआं निकल रहा है तो वो ब्लैक धुआं किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ना, ब्लैक किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसका मतलब वहां पर आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कैसा है, ज्यादा है, क्योंकि आपने वो एटमोस्फेयर में किया है, बराबर। वही अगर आप एक छोटे से कंटेनर में करके अगर देखोगे तो वहां पर गैस तो निकलेगा लेकिन वो ब्लैक कलर का निकलेगा, व्हाइट कलर का रहेगा, तब कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन उतना ही वो यूज होगा जो उसके कंटेनर में रहेगा, कंटेनर छोटा है, रूम बड़ा था, रूम बड़ा था तो ऑक्सीजन ज्यादा था, कंटेनर छोटा हो गया तो ऑक्सीजन क्या होगा, कम अमाउंट में, समझे रीजन, ठीक है। तो अब इसको अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका यही, सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, मेटल, उसके बाद करेंगे नॉन मेटल, उसके बाद करेंगे ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट करेंगे हाइड्रोजन। तो ये भी कैसे करना है, ध्यान दें, पहले इस रिएक्शन को कर लेते हैं। पहले अगर आपको मेटल बैलेंस करना है तो बैलेंस करना है, इसका मतलब अच्छा बैलेंस क्यों कर रहे हैं, पहली बात तो ऐसे बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम नहीं ना, क्यों करते हैं, एक लॉ होता है जिस लॉ को वैलिड करने के लिए, फॉलो करने के लिए हम ये यूज करते हैं, तो वो लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पढ़े हो, अरे न्यूटन लॉ पता है ना, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में न्यूटन लॉ है वैसे ही केमिस्ट्री में ये बहुत अच्छा लॉ है। अच्छा ये साइंस में है, ऐसा कहते हो साइंस में, जब भी कोई रिएक्शन होगा तो उस पूरे रिएक्शन का जो मास है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा इन द सेंस वो चेंज नहीं होगा, जितना आपने इनिशियली लिया है उतना ही फाइनली प्रेजेंट रहेगा, मतलब जितना मास इन दोनों को आपने लिया होगा उतना ही मास आपको CO2 का ही मिलेगा, कहीं पे कोई मास बाहर नहीं जाएगा या फिर एडिशनल मास नहीं आएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा लॉ होता है, इसी लॉ को फॉलो करने के लिए हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद होगा क्या, जितना मास आपने लिया है उतना ही मास आपको इसका मिल जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले करेंगे मेटल को बैलेंस, आइडेंटिफाई करो पहले रिएक्शन में मेटल कौन है, पीरियोडिक टेबल में मेटल कौन होता है आपको पता है, जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो सारे क्या है, मेटल्स है, राइट साइड में पूरे मेटल्स है, और बीच में जिगजैग लाइन मेटलॉइड है। तो कार्बन कहाँ पर, ऑक्सीजन देखो ऑक्सीजन कहाँ पर है, राइट में है, इसका मतलब वो तो नॉन मेटल की कैटेगरी में आ गया, लेकिन उसका बैलेंसिंग हमें इंडिविजुअली करना ही है, तो इसको हम नॉन मेटल में ना करकर इंडिविजुअली बाद में कर लेंगे। तो ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन आपके पास एक एलिमेंट है, वो मेटल है कि नॉन मेटल है, नॉन मेटल, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर कार्बन के साथ साथ एक और कोई दूसरा मेटल होता तो हम पहले उसको बैलेंस करते, समझ में आ गई, तो कार्बन को बैलेंस करेंगे। देख लो लेफ्ट साइड में कितना कार्बन का आइटम दिख रहा है, एक, राइट साइड में कितना कार्बन का आइटम है, एक, मतलब बैलेंस है, ऐसे चेक करना पड़ता है। वो आपने 10वीं में भी वैसे ही किया था, टेबल बना के वही चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मेथड यूज कर रहे हैं। जैसे कार्बन का हो गया, अब कार्बन क्या हो गया, नॉन मेटल था तो वो बैलेंस्ड हो गया, अगर बैलेंस नहीं होता तो हम क्या करते, जहां पर कमी जा रही है वहां पर एक कोएफिशिएंट लगा देते, नंबर लगा देते, वो आपको बैलेंस करने के लिए,
अब वो करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर भी एक एटम, यहाँ पर भी एक एटम बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए देख लो, यहाँ पर दो एटम है और यहाँ पर कितने हैं, दो एटम, मतलब ऑलरेडी बैलेंस है। उसका मतलब केमिकल रिएक्शन ये जो है ये पहले ही बैलेंस है, ये बैलेंस करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, आपको फिर भी पूछा गया है टाइम वेस्ट करने के लिए आपका, इसलिए। तो वो आप देख के बता सकते हो। अब सेकेंड रिएक्शन के लिए करके देखते हैं, कार्बन देख लो, नॉन मेटल है, मेटल तो है नहीं कोई, तो नॉन मेटल को बैलेंस अगर करना है तो यहाँ पर भी एक एटम, यहाँ पर भी एक एटम, मतलब ऑलरेडी बैलेंस है, बराबर। अब ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पर दो एटम और यहाँ पर कितने हैं, एक ही है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करें, दो दो मेथड हो सकते हैं बैलेंस करते वक्त, या तो आप रिएक्टेंट साइड में कुछ कर सकते हो या फिर प्रोडक्ट साइड में कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो किस साइड में करना चाहोगे वो आप पर डिपेंड होता है। आप अगर कहते हो कि सर प्रोडक्ट साइड में कर लो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो देखो सर यहाँ पर जब मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया तब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन कार्बन अभी भी क्या है, बैलेंस नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर एक था और यहाँ पर कितना हो गया, दो हो गया। इसका मतलब ये प्रोडक्ट साइड पर जब मैंने कोएफिशिएंट लगाया तो ऑक्सीजन बैलेंस तो हो गया लेकिन कार्बन बैलेंस नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टू लिखना पड़ेगा। ये बेसिक मैथमेटिक्स से ये कर सकते, एक तो मेथड ये हो सकता था, या फिर दूसरा आप रिएक्शन साइड में चेंज कर सकते थे, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन रहा है CO, तो प्रोडक्ट साइड में क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है तो इसको मुझे एक बनाना पड़ेगा, तो ये एक कैसे बनाऊंगा हाफ से, बात समझ में आ रही है। तो चाहो आप प्रोडक्ट साइड में चेंज कर लो या चाहो आप रिएक्टर साइड में चेंज कर लो, कुछ भी कर सकते हो, बस बैलेंस होना चाहिए। ऐसा होता क्या है, ये जो टर्म यहाँ पर लिखा गया है दैट इज 1/2, ठीक है, मतलब जब भी कैलकुलेशन ए बाय बी फॉर्म के होते हैं तो हमें मतलब थोड़ा डर लगता है, डर लगता है ना। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कर सकते हो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस फॉर्म में हो तो थोड़ा हमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए ये रिएक्शन जब भी बनेगा, इस रिएक्शन को भी हम अल्टीमेटली क्या कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये डिनोमिनेटर वाला टर्म हट जाए, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाके भी ऐसा बहुत बार करते ही है हम, तो दो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वही रिएक्शन हो जाएगा जो ऊपर वाला है, दैट इज 2C। ले देखो 2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बन गया आपके पास ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या होगा आपका 2C, तो अल्टीमेटली रिएक्शन वही बन गया है। कैसे भी कर लो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट साइड में चेंज कर रहे हो रिएक्टर साइड में, लेकिन अल्टीमेटली आपको ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर फॉर्म आ जाते हैं तो इस फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए कैलकुलेशन थोड़े कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, बैलेंस कर पाओगे। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, अब हम थोड़े एग्जांपल भारी वाले लेंगे, तो इसको लिख लो, हो गया है? आगे बढ़े, अब हम थोड़े भारी भारी क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। देखो कर सकते हो इसको बैलेंस, बहुत इजी है रिएक्शन, बहुत इजी है। इसमें दो चार चीजें बतानी है जो मैं आपको बताऊंगा। देख लो ये जो यहाँ पर मेटल लिखा गया है, अच्छा सोडियम तो मेटल है पता है आपको, इसके बगल इसके पैर के पास जो यहाँ पर हमने ब्रैकेट में एस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये सोडियम सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, तो उनके अगर पैर के पास कुछ चीज लिखी है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो उनका नेचुरल स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है कि वो उस नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। दैट सोडियम जो है वो हमेशा सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है एस। क्लोरीन गैस आपको पता है गैस में होता है, देखा है क्लोरीन गैस को, नहीं देखा होगा, थोड़ा मतलब पॉइजनस तो नहीं है लेकिन स्मेल थोड़ा ऑड होता है, हम सह नहीं, इसलिए ये बहुत अच्छे से कंटेनर में रखा होता है, तो ये गैस फॉर्म में होता है, और NaCl जो है सॉल्ट वो सॉलिड स्टेट में होता है, ये तो पता ही है। ठीक है ना, गांधी जी ने सत्याग्रह किया था सॉल्ट का, तो ये एक केमिकल कंपाउंड है जो बन रहा है, जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये इस रिएक्शन से बनता है, बराबर। अब इस रिएक्शन को आपको क्या करना है, बैलेंस। तो तरीका वही, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, मेटल। तो मेटल यहाँ पर कौन है, सोडियम। सोडियम यहाँ पर देखो तो वन एटम है, यहाँ पर देखो तो वन एटम है, मतलब ऑलरेडी बैलेंस है, तो सोडियम तो बैलेंस हो चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे ये स्टेप लिखने, हर एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, हम मैन्युअली कर रहे हैं,
ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या फिर ज्यादा जो कुछ करना है वो दिमाग में कर रहे हैं, इसलिए तो इसका नाम शॉर्ट ट्रिक है ना। शॉर्ट ट्रिक लेते क्यों, यूज क्यों करते, ताकि हमें पेन पेपर उठाने की जरूरत ना पड़े। तो हमने देखा कि सोडियम सोडियम बैलेंस है तो हटा दो, फिर क्लोरीन को देख लो, यहाँ पर दो आइटम, यहाँ पर एक ही आइटम है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई कर दो। जनरली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिएक्टर में चेंज करने के बजाय क्या कर लो, प्रोडक्ट में चेंज करो, क्योंकि रिएक्टर में चेंज करोगे वहां पर फिर से डेसिमल आ जाएगा, वहां पर फिर से दो से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट में ही चेंज कर दो। तो यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब देखो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से मेटल जो है आपका डिसबैलेंस हो गया, तो फिर से क्रॉस चेक करना है कि फिर से मेटल जो है वो बैलेंस है कि नहीं है। तो देखा गया यहाँ पर टू है, यहाँ पर इसका मतलब कर देंगे दो से मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ इस रिएक्शन से एक चीज आपको समझ में आई, दैट इज स्टेट। केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे, उनका कुछ ना कुछ नेचुरल स्टेट आपको गिवन रहेगा। ये आसान सी रिएक्शन थी। इसके बाद नेक्स्ट वाला रिएक्शन ट्राई करके देख सकते हो आप, N2। ये भी गैस में एग्जिस्ट करता है, उसके बाद H2 हाइड्रोजन गैस, ये भी गैस में होता है, प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, दैट इज NH3। चलो NH3 लिक्विड में लिख लेते हैं, और NH3 मतलब होता है अमोनिया, सुना है, ठीक है। और अब आप आंसर जब बताओगे तो पूरा रिएक्शन तो नहीं बता सकते, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ऑनलाइन के लिए मैं एक ये यूज करता हूँ कि लेट से इसका बैलेंस करने के बाद कुछ तो कोएफिशिएंट इसका ए आया है, इसका कुछ बी आया है, और इसका कुछ सी आया है, तो आपको सिर्फ ए बी एंड सी का वैल्यू बताना है। बात समझ में, ठीक है। पूरा रिएक्शन ऐसा बोलना नहीं है, उसको भी हमने सिंप्लीफाइड कर दिया है। बैलेंस करने के बाद इसके आगे क्या कोएफिशिएंट आएगा, इसके आगे क्या कोएफिशिएंट आएगा, और इसके आगे क्या आएगा, बस उतना ही बताना है। ऑनलाइन वाले सिर्फ आपको ए बी सी का ही वैल्यू बताना है, रिएक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी लिख दिया है बहुत लोगों ने, चलो बहुत अच्छी बात है, आ गया होगा, सिंपल है। बोलो ए का वैल्यू, हाँ वन आया है, ठीक है, ओके। और बी का थ्री, सी का, करेक्ट है, कर सकते हैं आराम से। सबसे पहले बैलेंस करेंगे किसको, मेटल को, तो मेटल तो यहाँ पर कोई है नहीं, हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है, वो मेटल भी नहीं है और नॉन मेटल भी नहीं है, उसका पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में वो कॉन्फ्लिक्ट में है, पता है ना आपको, ठीक है। वही एक ड्रॉबैक होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो चलो इसको हम अलग से रख ही दिया है कि हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, तो इसको तभी करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मेटल है क्या, कोई नहीं है, नॉन मेटल नाइट्रोजन है, तो देख लो यहाँ पर टू नाइट्रोजन है, यहाँ पर कितना एक है, तो क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, अब देखेंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है तो उसको कर लेते हैं, यहाँ पर कितने हैं दो, यहाँ पर कितना हो गया दो, सिक्स, सिक्स करने के लिए यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो, ठीक है। कुछ ज्यादा टेबल वगैरह बनाने की जरूरत पड़ रही थी आपको, बिल्कुल बिल्कुल। ये सीक्वेंस फॉलो करना है, ये सीक्वेंस अगर फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो सकता है, मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, इसी सीक्वेंस से जाओ तो कम से कम समय में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई आपको आ गया है, तो इसके बाद एक और इक्वेशन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। नोमेनक्लेचर में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बराबर ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर जो पढ़ा अपन ने, उसमें मैंने बताया था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता है, CO2 एंड H2O, बराबर है, याद है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर बर्न करोगे तो आपको मिलेगा CO2 एंड H2O, तो उसी का हम यूज यहाँ पर करने जा रहे हैं। CH4 आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहो तो इसका नाम भी बता सकते हो, नाम क्या होगा, मिथेन है ये, बराबर। इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर दिया है, बट तो दो चीजें बनती है, एक तो बनेगा आपका CO2, दूसरा बनेगा H2O। तो अभी आपको करना है इस पूरे रिएक्शन को बैलेंस, ट्राई किया जाए क्या आंसर आता है बताया जाए। ये होगा लिक्विड में और CO2 होगा गैस में। फिर से चार कोएफिशिएंट मिल रहे हैं, इसके लिए ए, इसके लिए बी, इसके लिए सी एंड इसके लिए डी, तो ABCD का वैल्यू जो है वो आपको बता दें। देख लो भाई बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, जब जब नई नई रिएक्शन पढ़ेंगे तो वो रिएक्शन क्या होती है, कैसे आएगी, ये भी चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। चलो बताओ ए का वैल्यू वन, बी टू, सी वन एंड डी टू, ठीक है, देख लेते हैं। ये आपका आंसर है, सभी का मैच हो गया, फिर हो गया ना, चलो सभी का मैच हो गया, इसका मतलब करेक्ट ही होगा। देख लेते, मेटल कौन है, हु इज द मेटल, कार्बन मेटल है,
देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो हम लास्ट में बैलेंस करेंगे, बस देखना है कार्बन, कार्बन इज अ नॉन मेटल तो पहले उसको बैलेंस किया जाएगा, मेटल नहीं है तो। यहाँ पर देख लो एक एटम प्रोडक्ट में भी एक एटम, इसका मतलब ऑलरेडी बैलेंस है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन देख लो प्रोडक्ट साइड में आपके पास कितने ऑक्सीजन, एक दो एंड तीन, ओके, और रिएक्टर साइड में आपके पास दो है, तो कैसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, या तो यहाँ पर तीन बना लो या फिर यहाँ पर आप क्या कर लो, एक ऐड करके चार बना लो और फिर उसको चार बनाना पड़ेगा, समझे क्या। चलो मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ, जब भी आप ऑक्सीजन बैलेंस करो और ऑक्सीजन बैलेंस करते वक्त लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो ये तो इवन नंबर ही आएगा बराबर, लेकिन प्रोडक्ट साइड में हो सकता है वो ऑड भी आए या फिर इवन भी आए। तो जब इवन आएगा तब तो चिंता करने की बात नहीं, वो अपन आराम से बैलेंस कर लेंगे, लेकिन जब आपके पास ऑड आ जाता है तो ध्यान रहे ऑड पता है सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, सिर्फ वाटर की वजह से ही आएगा, क्योंकि उसी के मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑड जब भी आता है तो आपका काम ये रहेगा वाटर से जो ऑड नंबर आता है उसको इवन बना दो पहली बार तो। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे H2O को पहले तो आप दो से कर दोगे ताकि आपका ऑक्सीजन का नंबर इवन पहले बन जाए। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में देख लो अभी इवन बन गया है, बस उसी ऑक्सीजन का वैल्यू लेकर हम अभी रिएक्टर साइड में चेंज कर सकते हैं आराम से। प्रोडक्ट साइड में देख लो आपके पास दो मिल चुके हैं क्या, सॉरी चार ऑक्सीजन मिल चुके हैं, यहाँ पर भी आपको चार करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई कर दो बाय टू। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी बैलेंस है और यहाँ पर भी बैलेंस है, बस एक चीज है जो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन जो लास्ट में चेक करना है वो भी अपने आप बैलेंस हो गया। ठीक है ना, तो ऐसा भी होगा बहुत बार कि एक दो आइटम को आपको बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने आप भी बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, रिएक्शन बहुत छोटी छोटी रिएक्शन होती है, तो अगर इस जैसा कोई आपको मिल जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा माथा पच्ची करने की जरूरत पड़ेगी, एक बार ट्राई दे दो और क्या कोफिशिएंट आ सकते हैं इन सभी का वैल्यू मुझे बताओ। इसका मान लो ए है, ये बी, ये सी, ये डी एंड ई। ठीक है, तो अब इसमें शायद हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो, तो उसी दिक्कत को हल करने के लिए हम एक और शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं जो बताएंगे, पहले इस मेथड से ट्राई करके देख लो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, हाँ होशांग ने आंसर दे दिया था, बी एंड डी टू टू करेक्ट है। आ रहा है नहीं आ रहा है, फंस गए होंगे, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा होगा है ना। तो ऐसी आपको बहुत सारी रिएक्शन मिलेंगी जहां पर आप चाहो जिंदगी भर उस रिएक्शन को बैलेंस करते रहो, वो बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, वो इसलिए बैलेंस नहीं होगा क्योंकि हमने जो तरीका पढ़ा है, ये मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, वो सिर्फ छोटे छोटे रिएक्शन के लिए अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ट्रिक जो है, अब ट्रिक है ना, ट्रिक जो है, जैसे अगर आप एक लॉ भी देखते हो तो लॉ कुछ चीजों पे लगता है कुछ चीजों पे नहीं लगता है। जैसे केमिस्ट्री में मैंने पहले ही बोला था कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत सारे होने वाले हैं, एक्सेप्शन मतलब एक चीज जो उस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रही हो बराबर है, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन मिलेंगी जो उस मेथड से आपका सॉल्व नहीं होगा, अगर एक बार करके देखते हो या देखना पड़ेगा करके, आपको समझ में आ गया ना, आपने करके देखा है ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहा है, तो फिर इसीलिए हमने एक इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाइड मेथड जो है वो निकाला है, वहां पर थोड़ा मैथमेटिक्स होता है तो, लेकिन बैलेंस करना तो पड़ेगा क्योंकि अब तक 10th क्लास में जब थे तो छोटी छोटी रिएक्शन थी, काम बन जाता था, लेकिन अब हो गए तो रिएक्शन भी बड़ी बड़ी सीखनी पड़ेगी। तो इसका इस टाइप की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहला काम आपको ये करना पड़ता है, जितने भी रिएक्टेंट और जितने भी प्रोडक्ट है उन सबके सामने आप एक एक अल्फाबेट लिख लो। अल्फाबेट कहने का मतलब ये वेरिएबल जिसको हम कहते हैं, वेरिएबल क्या होता है पता है, मैथमेटिक्स में इक्वेशन सॉल्व किए होंगे आपने, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, ये पता है दो वेरिएबल हो तो दो इक्वेशन लगते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी हम सॉल्व करेंगे, तो इनका जो कुछ भी आंसर आने वाला है बैलेंस करने के बाद जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट आएगा, ये मैंने आपको बताया नहीं कि इस मॉलिक्यूल के सामने बैलेंस करने के बाद जो कुछ भी नंबर आता है उसको हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, शॉर्ट में उसको मैं SC बोल देता हूँ। स्टोइकोमेट्रिक पढ़ रहे हैं, तो स्टोइकोमेट्री पढ़ते वक्त मॉलिक्यूल्स के आगे जो कुछ भी नंबर आएगा उसको कहेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसको निकालने के लिए पहले हम एक वेरिएबल मान लेते हैं कि लेट्स से वो ए है, बी है, सी, डी एंड ई है। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी एटम्स है वहां पर प्रेजेंट उन सभी एटम्स के जो नंबर है वो लेफ्ट साइड में मतलब दैट इज रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में करना पड़ता है आपको बैलेंस। तो प्रोसेस देख लो एक बार, प्रोसेस देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ रिएक्टेंट और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चलता है, उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे बराबर, तो
वो इक्वल टू रहेंगे साइड के, बराबर है, तभी जाके रिएक्शन बैलेंस होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड बोल दो, ये इक्वल रहेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्शन, यहाँ के नंबर ऑफ एटम्स और यहाँ के नंबर ऑफ एटम दोनों क्या रहेंगे सेम। तो हम हर प्रेजेंट होने वाले एटम के लिए ऐसा एक टेबल छोटा सा बनाएंगे जल्दी जल्दी, फिर उस टेबल में से आपको तीन चार इक्वेशंस मिलेंगे, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको ए बी सी डी ई एफ जी जो कुछ भी आएगा उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसे है देख लो, पहले तो आइडेंटिफाई कर लेंगे एटम्स कौन कौन है। एक है आपके पास सल्फर, तो सल्फर का रिएक्टेंट साइड में एटम कितना है और प्रोडक्ट साइड में, ये दोनों लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फिर से सल्फर। उसके बाद आपके पास है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले लिख लेंगे, और आपका जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। यहाँ पर वो भी सीक्वेंस लिखने के लिए वो भी मेथड यूज कर सकते हो, सबसे पहले मेटल का नंबर लिखो, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो मेटल तो कोई है नहीं, नॉन मेटल एक आपके पास सल्फर है, उसके बाद एक नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन, बस चार ही आइटम है और कोई तो है नहीं, बराबर है, हाँ इतना ही है। फिर से यहाँ पर भी हम उसका नंबर लिखेंगे और वो बाद में करेंगे बैलेंस। अब ध्यान दे ये नंबर कैसे लिखना है, यहाँ पर थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ पर टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा आ गए, तो ज्यादा टर्म्स जब आ जाएंगे तब थोड़ा मतलब कॉन्सेंट्रेशन लूज हो सकता है ना, तो एक आध छूट जाएगा, तो वो छूटे नहीं, इसलिए थोड़ा फोकस दो। लेफ्ट साइड के नंबर देखते हो तो कितने है, वो ए है, ठीक है ना, अभी वेरिएबल लिखा है अपन ने तो लिख लेते हैं ए। प्रोडक्ट साइड में वही सल्फर का अगर नंबर आप देख रहे हो तो कितना होगा, सी टाइम्स एस, ये समझ में आता है, ठीक है। चलो ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका H2SO4 है इसमें अगर ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सी है, और अगर मैं बोलूँ कि बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम है, तो आप टू टाइम्स सी लिख दोगे, ये आता है, बहुत ज्यादा बच्चे वाले चीज पढ़ा रहा ना मैं, कितना है ना, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो बता देना। सल्फर का देख लो, सल्फर का देखते हो तो सी टाइम्स, और ऑक्सीजन का देखते हो बोलो कितना, फोर टाइम्स ऑफ सी, ऐसा हो जाएगा। तो वही आपको एज इट इज यहाँ पर छापना है। प्रोडक्ट साइड में सल्फर आपके पास सी टाइम्स है, उसके बाद नाइट्रोजन देख लो, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन आपके पास बी टाइम्स है, ओके, प्रोडक्ट साइड में देख लो नाइट्रोजन कितना है डी, उसके ऑक्सीजन देख लो थ्री टाइम्स बी है, समझ में, ये देखो HNO3 में थ्री टाइम्स बी ऑक्सीजन है, तो लिख दिया है। अब प्रोडक्ट साइड में आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और यहाँ पर भी ऑक्सीजन, नंबर तो सेम ही होने वाला है, जो रिएक्टेंट में था वही प्रोडक्ट में होगा। तो बोलो भाई H2SO4 से तो आएगा फोर टाइम्स सी, बराबर, उसके बाद NO2 से आपके पास कितना आएगा, वो टू टाइम्स डी आएगा, सही जा रहे, और H2O में देखते हो तो वन टाइम्स डी आएगा। तो समझ में आ रहा होगा हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन निकालेंगे, फिर लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड करेंगे, आपको और तीन चार इक्वेशन मिलेंगे नए, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे, जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन लिख लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको, कर सकते हो। थोड़ा मैथमेटिक्स है, देखो आपने जो ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे थे अब तक, उसके लिए जितना समय लगा उससे बहुत कम समय आपको इसके लिए लगने वाला है, इसलिए ये ट्रिक हम यूज कर रहे हैं। तो लास्ट वाला हाइड्रोजन बाकी उसके लिए कर लेते हैं, ये है आपका बी, यहाँ पर हाइड्रोजन देख लो, एक तो आ रहा है H2SO4 दैट इज टू टाइम्स सी, H2O से आ रहा है दैट इज टू टाइम्स सी, समझ में आ गया, ठीक है। तो चार वेरिएबल है आपके पास, सॉरी चार वेरिएबल नहीं है, पांच वेरिएबल है, दैट इज ए बी सी डी ई, तो इस हिसाब से आपके पास पांच इक्वेशन मिलनी चाहिए, देखते हैं पांच मिलते हैं या फिर नहीं मिलते, जब मिलेंगे तब सॉल्व करना आपको आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिल रहे तो उसके लिए भी क्या ट्रिक होता है ये भी मैं बताऊंगा। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है तो क्या होगा, सल्फर के लिए जो रिएक्टेंट साइड में आइटम प्रोडक्ट साइड में आइटम बनेगा, दैट इज मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसा कि सल्फर के लिए ए इक्वल टू सी, तो ये आपका बन गया क्या इक्वेशन नंबर वन, ऐसे इक्वेशन बनाने। नाइट्रोजन के लिए देख लो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर टू। थर्ड ऑक्सीजन के लिए देख लो थ्री टाइम्स बी इक्वल टू आपका बनेगा फोर सी, थोड़ा मैं अच्छे से लिख रहा हूँ, थ्री टाइम्स डी इक्वल टू ये आपका फोर सी प्लस टू डी प्लस ई, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर थर्ड। एंड लास्ट इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन दैट इज बी इक्वल टू टू सी प्लस टू ई, इक्वेशन नंबर फोर, बात समझ में आ गई, चार इक्वेशन बन गए। हाँ अभी यहाँ पर एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वेरिएबल्स तो आपके पास पांच है, अब पांच वेरिएबल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पांच इक्वेशन लगेंगे, लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं चार ही इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक समझ लो या फिर वैल्यू अज्यूम करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, एक वैल्यू अज्यूम करना पड़ता है। तो आप पांच वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल का वन वैल्यू अज्यूम कर लो, बस समझ में आ गया। जब ऐसा आपको केस मिले जहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है, ठीक है,
दिस नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर होता है, ठीक है, तब आपको क्या करना है, अज्यूम वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इक्वल टू वन, किसी भी एक वेरिएबल वैल्यू आप क्या कर लो, वन अज्यूम कर लो। लेकिन किसका पर्टिकुलर करना है इसके लिए भी अपने पास एक छोटा सा लॉजिक ये है कि देखो जो वेरिएबल मैक्सिमम टाइम आपको दिख रहा है अगर उसका वैल्यू आप वन अज्यूम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा, कैलकुलेशन मिनिमम हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। तो पांच वेरिएबल से हम ऐसे वेरिएबल का वैल्यू वन पकड़ेंगे जो बहुत बार आपको दिख रहा है, चार इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम दिख रहा है उसका वेरिएबल का वैल्यू अपन वन रख देंगे। तो किसका वन रखना चाहते हो, वैसे तो कोई भी रख लो आंसर आपका सेम ही आएगा, लेकिन लॉजिक ये है कि अगर आप कैलकुलेशन कम करना चाहते हो तो मैक्सिमम टाइम जो वेरिएबल आ रहा है उसका वैल्यू वन रख दो। तो मैक्सिमम टाइम कौन दिख रहा है आपको, बी सी, देखो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, तीन बार आया है तो उसको रख देते, किसी का भी रख सकते हो, बस कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ेगा अगर किसी दूसरे को रख देते हो तो। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप ऐसे वेरिएबल का वैल्यू वन पकड़ो जो क्या है मैक्सिमम नंबर में इक्वेशंस में दिखा हुआ है आपको। तो जो आपको दिख रहा है सी, तो हम कर लेते हैं क्या, आप कर सकते हो आगे, मैं यहाँ पर बोर्ड पे कर रहा हूँ साथ साथ में आप कर सकते हो। करना क्या है, सी को मैंने कर लिया है अज्यूम, इस हिसाब से बाकी वेरिएबल्स का आपको क्या करना है वैल्यू निकाल लेना है। तो आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। जब आपने सी को पकड़ लिया है वन, तो उस हिसाब से ए का वैल्यू भी आपका क्या हो जाएगा वन, बराबर, ए और सी इन दोनों का आपके पास वैल्यू हो चुका है वन। अब ये वैल्यू हम रखेंगे इन सभी इक्वेशंस में, तब आपको और अच्छे से इक्वेशन नए वाले इक्वेशन मिलेंगे। देखो ये तो वैल्यू हो चुका है वन, उसको तो हटा दो, मतलब ये इक्वल टू सी इक्वल टू वन ये हो चुका है। प्लस सेकेंड इक्वेशन जो है इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है फिलहाल, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इसको मैं अभी बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर लेट से वन डैश, नए इक्वेशन बना रहे इसलिए, ये आएगा आपके पास टू डैश, बस अलग अलग नाम मैं दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो वन और वन डैश में। इसके बाद यहाँ पर देख लो थ्री डी इक्वल टू, अब सी की जगह पे हमने वन रख दिया है तो वहां पर भी हम वन रख देंगे, ताकि ये हो जाएगा फोर इंटू वन प्लस टू डी एज इट इज है, और प्लस रहेगा आपके पास ये ई। अच्छा ओके सॉरी सॉरी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, बी चाहिए ठीक है, तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा ना बी, हाँ इसलिए मैंने बोला था थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो सी बी है तो ये सी बी रख दो एज इट इज, ये देख लो ये हो जाएगा फोर प्लस फिर से ये टू डी और ये ई, मतलब ये आपको एक नया इक्वेशन मिल चुका है टू डी, ठीक है। तो इसको आप बोल दो थ्री डैश, और एक लास्ट इक्वेशन दैट इज ये, तो ये बी इक्वल टू, यहाँ पर भी हम सी का वैल्यू रख सकते हैं, तो ये रख देंगे टू इट टू वन प्लस ये होगा टू टाइम्स ई। तो इस इक्वेशन को बोल दो आप अभी क्या फोर डैश, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो आपके पास जो नए चार इक्वेशन मिले हैं उन चार इक्वेशन में वेरिएबल सिर्फ चार ही है, क्योंकि ए और सी का वैल्यू तो आपको मिल चुका है, अब बचा कौन है, बचा है ए और सी का वैल्यू हो चुका है तो बचा है बी डी एंड ई। तो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन चाहिए होंगे, है क्या तीन इक्वेशन, देखो ये है, इसका एक यूज कर लो, इसका यूज कर लो, इसका यूज कर लो, आंसर मिल जाएगा, कर सकते हो ना, इतना काम कर लो और क्या आंसर्स आ रहे हैं बाकी वेरिएबल्स का वो थोड़ा कैलकुलेट करके बताओ, है ना। आपको करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि मुझे मैथ आता नहीं है, तो आपको आना चाहिए, अरे केमिस्ट्री में मैथमेटिक्स है लेकिन इतना भी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, कर लो और क्या आंसर आता है बताओ, कर सकते हो ऐसा, बहुत ज्यादा भारी कंसेप्ट लग रहा है क्या, नहीं है, मैथमेटिक्स थोड़ा घुस गया है इसलिए आपको थोड़ा डर लग सकता है, लेकिन डरने का नहीं, आ जाएगा आराम से, बस इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का यूज कर लो। अच्छा ये तीन नए इक्वेशन है तो मैं इसको यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ये है आपके पास नया इक्वेशन, उसको मैं बोल रहा हूँ ए, उसके बाद हाँ और ये एक आया है b इक्वल टू टू प्लस टू ई, और एक ये है दैट इज b इक्वल टू डी। तो इन तीन नए इक्वेशन का यूज करके आप आराम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आ गया आंसर, नहीं आया है, क्या हुआ है, आ रहा है क्या, चलो मैं बताऊँ शॉर्ट में, देख लो आप कर सकते हो, करके देख लेना एक बार, मैं बता देता हूँ ये टाइम जो अपना समय। देखो एक चीज तो आपको दी कि b इक्वल टू डी, ठीक है,
अब इस इक्वेशन को देख लो जिसमें वेरिएबल बी वो ई है, पर इस इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो बी डी एंड ई है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से डी को हटा के बी में कन्वर्ट कर दूं तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन करके ऐसे दो नए इक्वेशन मिल जाएंगे। तो मैं बस क्या कर रहा हूँ, इस डी की जगह पे बी रख देता हूँ कहाँ पर, इस इक्वेशन में। तो आपके पास ये बन जाएगा, आपके पास थ्री बी इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस 2। अब डी की जगह पे क्या रखा है, बी रखा है ना, और ये एक बचेगा ई, ये 2b अगर इधर आ जाएगा तो दैट इज 3b माइनस 2b इक्वल टू ये 4 प्लस ई, मतलब ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस ई। ये आपके पास एक नया इक्वेशन मिला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बी एंड ई वेरिएबल है, बस समझ में आया, ठीक है। तो ये एक नया इक्वेशन आ चुका है, और एक जो पहले ही है दैट इज ये बी इक्वल टू 2 प्लस 2ई, ये भी देख लो आपके पास एक नया इक्वेशन आ चुका है। अब आपके पास दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। अभी कर सकते हो क्या, ठीक है, इसको कर लो और क्या आंसर आता है ये अब बताओ। नहीं तो चलो मैं ही कर लेता हूँ, आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए मैं दो चार बड़े बड़े केमिकल रिएक्शन जो है वो आपको दे दूंगा, वहां पर प्रैक्टिस करके देख लेना, पहले समझ लेते हैं इसको। अब बस दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, देखो ये बी और ये बी है, तो सेकेंड इक्वेशन में से ये वाला जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर एज इट इज रख सकता हूँ। तो मैं ऐसे यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अच्छा इसको नाम देना पड़ेगा ना, ये भी सीढ़ी दिया, इसको मान लो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 है, ठीक है। मैं कर रहा हूँ क्या, पुटिंग इक्वेशन नंबर 6 इन इक्वेशन नंबर 5, तो आपके पास नया मिलेगा मॉडिफाइड फॉर्म, ये बी की जगह पे मैं ये रखूंगा दैट इज 2 प्लस 2ई इक्वल टू आपका ये हो रहा है क्या 4 प्लस ई। बस इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये ई मैं इधर लेके आता हूँ दैट इज 2ई माइनस ई, और ये 2 उधर चला जाएगा दैट इज 4 माइनस 2। देखो भाई ई का वैल्यू कितना आ गया 2, बात समझो। इस तरह आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है, इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी बता रहा हूँ। अब ई का वैल्यू आपको मिल चुका है, बस इस ई का वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा, बोलो मिल जाएगा। वो कैलकुलेशन जो वो भी मैं यहीं पे कर लेता हूँ, वो देखो ये ई का वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 6 में, तो आपके पास बी का वैल्यू मिल जाएगा 2 प्लस 2 इंटू ई का वैल्यू जो है वो 2, तो बी का वैल्यू मिल चुका है कितना मिलेगा 6, ठीक है। तो अब देखो सभी वेरिएबल्स के आपके पास वैल्यूज मिल चुकी है, कैसे, ए और सी का वैल्यू तो आपने अज्यूम कर लिया था कितना था 1 था, उसके बाद आपने निकाला है ई का वैल्यू दैट इज 2, बी का वैल्यू मिल चुका है आपके पास 6, और एक वेरिएबल बाकी है दैट इज डी, वो दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आपके पास डी का बन जाएगा। अब ये जो भी वेरिएबल्स आए वो एक बार यहाँ पर रख लो, और रखने के बाद देख लो कि क्या सच में इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मास्टर ने टाइम वेस्ट किया, टाइम वेस्ट नहीं है, बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे थे इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लगा है, जब आप अपने आप सीख जाओगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो मैं वेरिएबल यहाँ पर क्या था, ए का वैल्यू अर्जुन कर लिया था क्या आपने 1, ये था बी, बी का कितना आया है देख लो 6, ये सी का कितना आया है, सी भी 1 ही है, उसके बाद ए बी सी डी, डी का कितना आया फिर से वही 6, लास्ट में ई, ई का आया है 2। चलो अभी क्रॉस चेक कर लो एक बार, कर लेते कैसे करेंगे, ओरली कर सकते, सल्फर 1 सल्फर बैलेंस्ड है, उसके बाद यहाँ से नाइट्रोजन को देख लो 6 नाइट्रोजन है, ओके यहाँ पर भी देख लो 6 नाइट्रोजन है मतलब बैलेंस है, उसके बाद देख लो हाइड्रोजन देख लो कितना है 6, ये देख लो 2 2 4 प्लस 2 6 बैलेंस है, ऑक्सीजन पे जहाँ पर अड़ रहे थे वो भी बैलेंस हो गया, देख लो 6 3 कितना 80। अब देखो काउंट कर लो, यहाँ से आएगा 2, कैसे आएगा 12, 2 प्लस 12 कितना हो गया 14, 14 प्लस 4 कितना हो गया बैलेंस, ट्रिक है लेकिन आराम से कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स है, एक बार आप खुद से कर लो, ये तो मैंने किया है ना, मेरा मैथ अच्छा हुआ है, मेरी प्रैक्टिस हुई, आपकी नहीं हुई, आपको करना पड़ेगा। तो एक बार ये क्वेश्चन खुद से करके देख लो, और प्रैक्टिस के लिए मैं दो इक्वेशन और आपको दे रहा हूँ, उसके लिए भी यही ट्रिक, आपको क्या करना है बैलेंस करना है, बैलेंसिंग मैं पहले ही बता रहा हूँ, बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैथमेटिक्स में टेबल आपको रट्टा करने को बोलते हैं, बराबर ना, याद करने को बोलते हैं 30 to 40 तक, वैसे ही केमिस्ट्री में बैलेंसिंग एक ऐसा एक चीज़ है जो अगर आपको आएगा नहीं तो केमिस्ट्री में आगे जाके कुछ भी समझेगा नहीं, इसलिए बैलेंसिंग पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो एक दो दिन, एक ही बार प्रैक्टिस करना है, फिर तो जिंदगी भर आपको वो याद ही रहेगा, ठीक है ना। तो होमवर्क के लिए मैं दो इक्वेशंस आपको आपको दे रहा हूँ, वो घर पे एक बार ट्राई कर लो, लिखे हो गया, हो गया, Thank you.
ये दो इक्वेशन है, बैलेंस करना है, यही ट्रिक यूज करो, मतलब उस ट्रिक का प्रैक्टिस हो जाएगा आपका बहुत अच्छे से, और फिर ये ए बी सी डी ई एफ जी जो कुछ आता है वो आपको करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को कल हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर जाकर स्टोइकोमेट्री में आगे पढ़ेंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट या फिर डिटरमाइन मास ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम गिवन मास ऑफ रिएक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोइकोमेट्री का। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कुछ ऑनलाइन वाले, आपको तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ऑनलाइन वाले किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो हम रुकने जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, पढ़ाई करते रहो।